फ्रेंड्स, मेरा नाम नव्य राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रस्ट वॉलेट की फुल डिटेल्स के बारे में, कि ट्रस्ट वॉलेट में क्या क्या है। जो जो बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो कहते हैं मैम मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैम मेरे से वो नहीं हो रहा है, ये क्या ऑप्शन है, कि ये क्यों दिया ऑप्शन, वगैरह वगैरह बहुत सी सवाल आते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ ट्रस्ट वॉलेट की फुल डिटेल्स के बारे में। तो उसको लिए आपको पहले ट्रस्ट वॉलेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट है क्या। तो ट्रस्ट वॉलेट में होता क्या है, तो ट्रस्ट वॉलेट एक क्रिप्टोस का ऐप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टोस रहती है। दुनिया की आजकल जितनी क्रिप्टोस बनी है वो सब उस ट्रस्ट वॉलेट ऐप में है। जैसे कि हो गया बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, BUSD, स्मार्ट, ऐसे बहुत से क्रिप्टोज हैं जो ट्रस्ट वॉलेट में हैं। ऐसे बहुत से ऐप्स भी हैं, जैसे हो गया ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ये सब बहुत से ऐप्स हैं जिसमें क्रिप्टोस रहती हैं। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो ट्रस्ट वॉलेट बेस्ट है आपके लिए। और साथ ही में अगर आप फर्सेस में वर्क करते हैं तो आपके लिए ट्रस्ट वॉलेट भी अच्छा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो ट्रस्ट वॉलेट में आप अपनी इसके थ्रू ही आपकी ID ओपन होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना प्ले स्टोर ओपन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को कुछ यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट जब हम सर्च करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं मैम मैंने ट्रस्ट वॉलेट सर्च तो किया बट आ नहीं रहा है। तो ट्रस्ट वॉलेट जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, उसका टाइटल होगा ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट। तो उसका टाइटल ये होगा और इसका जो आइकन है वो ऐसा कुछ होगा। तो चलिए मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, अपडेट मांग रहा है, तो मेरे को तो आप लोग को बताना है, तो मैं अपना बाद में अपडेट कर लूँगी। अभी तक मैं आपको बता देती हूँ ट्रस्ट वॉलेट। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। तो नीचे यहाँ पे दिख रहा है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, नीचे यहाँ पे दिख रहा है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट और ऊपर है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। तो हम लोग को ऑब्वियस क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है। अगर आपके पास दूसरा वॉलेट है तो आप उस वॉलेट को भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट अ न्यू वॉलेट, तो उसके बाद आपके कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे जो आपको डिब्बा का कलर का दिख रहा है ब्लू कलर में डिब्बा सा, तो उसको आप पर क्लिक कर देना है उस पर। और उसके बाद जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आपका एबल हो जाएगा तो उसको मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। तो उसके बाद अभी आप पे स्क्रीन पर ब्लैक दिख रहा होगा बिकॉज अगर मेरा रिकवरी फ्रेज ओपन हो चुका है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी हार्ड है। तो इसका ना हम स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी इसको अपने 12 फ्रेज को, यहाँ पे 12 फ्रेज है तो उसकी सिक्योरिटी इसीलिए हार्ड है क्योंकि 12 फ्रेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कोई भी क्रिप्टो में आपके 2 करोड़ रुपीज़ है इन्वेस्ट हुए हुए या फिर 2 करोड़ रुपीज़ आपके वॉलेट में है, तो अगर ये 12 वर्ड किसी के पास भी चले गए तो वो आपका 2 करोड़ रुपया जा सकता है। यानी कि 12 वर्ड में भी बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो इसको किसी के साथ शेयर मत करें, वो ट्रस्ट आदमी हो तब भी उसके साथ शेयर ना करें। और साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 12 वर्ड्स का वो सिर्फ अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो उसमें आप क्लिक कर ले इसका फ़ोटो, या फिर आप किसी अपने कॉपी में ऐसी जगह लिखें जो हमेशा के लिए सेव रहे। तो यहाँ पे ऊपर 12 फ्रेज का दिख रहा होगा और सबसे नीचे में आपको नहीं दिख पा रहा होगा बट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे नीचे में ब्लू कलर के अंदर कंटिन्यू का साइन दिख रहा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिख के कंटिन्यू कर लेना। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं भी आप यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ। मैंने जो है अपना 12 फ्रेज लिख लिया है। तो अभी नीचे सबसे नीचे पे आके यहाँ पे कंटिन्यू का साइन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे ब्रश से कट देती हूँ, आपको वो तो दिख ही सकता है तो मेरे ख्याल से। तो कंटिन्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद वेरीफाई रिकवरी फ्रेज। तो यहाँ पे वेरीफाई रिकवरी फ्रेज करने के लिए बोल रहा, टैप द वर्ड्स टू पुट देम नेक्स्ट टू ईच अदर इन द करेक्ट ऑर्डर। जैसे कि ये उल्टा फुलटा दिया है, आपको करेक्ट ऑर्डर करना है इसको, मतलब कि लाइन वाइज जैसे सजाना है। तो जैसे कि किसी का पहले एल्डर हो तो उसको सब फर्स्ट में एल्डर कर देना है, वैसे ही लाइन वाइज हम लोग को इसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको लाइन वाइज लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जानेंगे। सलून तो यहाँ पे जो है
वो मेरा 12 फ्रेज जो है वो लाइन वाइज मैंने लिख चुका है। फिर पहला लेसन हो गया, तो नीचे यहाँ पे डन का साइन दिख रहा होगा सबसे नीचे में, तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे योर वॉलेट है सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो यहाँ पे आपको डन कर देना। फिर ये जो है देखिए आपका वॉलेट जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपका वॉलेट ओपन हो चुका है। मल्टीकॉइन वॉलेट वन इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपके बहुत से जो क्रिप्टोज हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो अभी अगर आप उसमें काम करते हैं, अगर आप फोर्सेज में वर्क करते हैं, तो फोर्सेज में वर्क करने के लिए आप और फोर्सेज BUSD में अगर आपको वर्क करना है तो आपको इथेरियम को यहाँ से हटा के अगर आपको कोई दूसरा क्रिप्टो लाना है या फिर कोई भी क्रिप्टो आपको यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे जो आपको दो फिल्टर वाला साइन जो यहाँ पर दिख रहा होगा जिस पर मैंने अभी सर्कल किया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर आपको जैसे कि मुझे अपना BUSD लाना है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगी BUSD, तो BUSD सर्च करने पर ये इतना सारा आया है। लेकिन हम लोग को BUSD जो वर्सेज में वर्क करते हैं हम लोग को पता होगा कि BUSD हम लोग को BEP20 वाला लाना है। हम लोग को BUSD ये ERC20 नहीं लाना है, BEP20। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हम लोग को इनेबल कर देना है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक बिटकॉइन, एक BNB, एक स्मार्ट चेन और एक बाइनेंस पैक BUSD। तो ये चार क्रिप्टो हैं हम लोग के पास अभी। तो इसमें से मैं जो चाहूँ हटा भी सकती हूँ, जो चाहूँ क्रिप्टो ला भी सकती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी कि ये DApps का मतलब क्या है। तो DApps पे आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, जैसे कि फोर्सेज का वेबसाइट खोल सकते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट जो है वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। और DApps में जो है वो स्वैप किया जाता है, यानी कि जैसे कि BUSD को हम लोग स्मार्ट चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, BUSD को स्मार्ट चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट चेन को BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत ही चीज़ें हम लोग की कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स आपको दिख रहा होगा, ये सेटिंग्स में यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको डार्क मोड करना है तो आप डार्क मोड कर सकते हैं, डार्क मोड नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आपके बहुत सारे वॉलेट ओपन हो सकते हैं, तो मेरे भी बहुत सारे वॉलेट ओपन हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाके अगर आप इसको INR में रखना चाहते हैं तो INR में रखें, या फिर अपनी करेंसी में जो भी आपकी करेंसी है तो आप उसमें इसको रख सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपको किसी को स्मार्ट चेन भेजना है तो हम स्मार्ट चेन से देखते हैं क्योंकि सबका प्रोसीजर सेम ही होता है। तो जैसे कि अगर आपको किसी को स्मार्ट चेन भेजना है तो आपको सेंड पे क्लिक करना होगा। तो स्मार्ट चेन पे क्लिक फर्स्ट, अगर आप किसी को स्मार्ट चेन भेजना है तो स्मार्ट चेन पे क्लिक करके आपको सेंड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, तो उसके पास जो स्मार्ट चेन का जिसने एड्रेस भेजा होगा, जिसको आपको भेजना है, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको जितना आपको स्मार्ट चेन भेजना है उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। BNB पे क्लिक करके या उसको आपको जितना स्मार्ट चेन देना है आप दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू पे लिखिएगा, उसके बाद फिर नीचे आपको कंटिन्यू का साइन दिख रहा होगा, फिर से उधर कंटिन्यू का साइन दिख रहा होगा। अगर अगर भेजने के लिए भी अगर आपके पास स्मार्ट चेन होंगे तब तो फिर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको किसी से लेना है यानी कि रिसीव करना है तो आपको रिसीव पे क्लिक करना होगा। रिसीव पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये जो है आपका ये QR कोड है, इसको आप किसी को भी स्कैन करवा सकते हैं, और ये आपका एड्रेस है। तो आपको अगर अपना एड्रेस कॉपी करके किसी को भेजना है तो यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर कोई आपके बगल में है तो आप QR कोड से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैं किसी को भी सेंड करके बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इनको जो है मेरा एड्रेस चला गया। तो ये मेरे को अब स्मार्ट BUSD भेज सकती हैं, यानी कि स्मार्ट चेन ये हम लोग को भेज देंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास स्मार्ट चेन आ जाएगी और वो उनके वॉलेट से कट जाएगा।
तो या यही थी हम लोग की कुछ बातें जो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बतानी थी मुझको। और अगर आपको थोड़ा सा भी और भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और एक और बात की ये सेटिंग्स पे अगर आप जाके आप न्यू वॉलेट अपना कोई भी ओपन करना है तो आपको ये प्लस पे साइन दबाइएगा तो फिर से आपका जो है एक वॉलेट ओपन होने हो जाएगा। तो चलिए मैं आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो उसकी वजह से मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको फोर्सेज में ज्वाइन होना है और उसमें बहुत ही अच्छी आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है और यहाँ पर भी नीचे आपको भी फ्लैश कर रहा होगा मेरा नंबर, तो आप इसे नोट करें और जल्दी से मेरे को कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको फोर्सेज में ज्वाइन करूँगी, उसके बाद आपको गाइड करूँगी और आप बहुत ही बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको मतलब कि आपके आपकी हेल्प करूँगी आपको आगे बढ़ने में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।